गाइज, अगर आपके चेहरे पर भी बहुत पुरानी झाइयां हैं, दाग धब्बे हैं या फिर पिगमेंटेशन है, तो ट्रस्ट मी, आज का मेरा ये वीडियो फॉलो करने के बाद विद इन अ वीक आपको अपने चेहरे पर विजिबल रिजल्ट दिखेगा। यानी एक हफ्ते में आपको हैरत अंगेज फायदे रिजल्ट आपकी स्किन पे दिखने शुरू हो जाएंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे लोग अपने झाइयों की ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं। क्या करते हैं हम में से बहुत लोग? डॉक्टर्स के पास जाते हैं, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं होता। डॉक्टर्स हमें खाने की दवाइयाँ देता है, लगाने की दवाइयाँ देता है, जब तक हम उसका यूज करते हैं तब तक हमारी झाइयाँ और चेहरा बिल्कुल साफ हो जाता है। लेकिन उनका खर्चा बहुत ज्यादा महंगा होता है, और जैसे ही हम वो सब चीजें स्टॉप करते हैं, दोबारा से हमारा फेस बिल्कुल काला, बेजान और झाइयों से भर जाता है। लेकिन आज का मेरा ये वीडियो ना सिर्फ आपके पैसे बचाएगा, बल्कि आपकी झाइयों को लाइफ लॉन्ग के लिए एंड करेगा। आपके चेहरे से ये सब चीजें जाएंगी और दोबारा कभी वापस भी नहीं आएंगी। आपका टाइम सेविंग है, आपके पैसे सेविंग है, और आपकी स्किन अल्टीमेट रिजल्ट देगी आपको। तो चलिए इसके लिए देख लेते हैं इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, कैसे फॉलो करना है। लेकिन प्लीज इस सब चीजों को जरूर फॉलो करिएगा 1 वीक तक, उसके बाद आप आगे इसको अपने अकॉर्डिंग कंटिन्यू जरूर रखिएगा। झाइयां बहुत तरह की होती हैं। बहुत सारे लोगों को झाइयां प्रेगनेंसी पिल्स खाने पर हो जाती हैं, जब हम प्रेगनेंसी स्टॉप करना चाहते हैं, या फिर जब हमारी डिलीवरी होती है गर्ल्स की तब हमें झाइयां की प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर हम धूप में बहुत ज्यादा रहते हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन की जो लेयर्स होती है ना, ऊपर वाली लेयर और अंदर वाली लेयर डैमेज होने लगती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन एकदम बर्निंग और झाइयों से भर जाती है। तो अगर आपके साथ भी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, किसी भी रीजन से झाइयां आपके फेस पर आ चुकी हैं, बॉयज एंड गर्ल्स कोई भी इसको यूज कर सकता है, किसी भी उम्र का इंसान इसको यूज कर सकता है और अपने चेहरे को बेदाग और ग्लोइंग बना सकता है। ना सिर्फ ये आपकी झाइयों को दूर करेगी, बल्कि अगर आपके चेहरे पर धूप से आपका चेहरा झुलस चुका है, सनबर्न हो चुकी है या फिर पिगमेंटेशन है, उसको भी रिड्यूस करेगी। तो चलिए जान लेते हैं इस रेमेडी को बनाना कैसे है। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो शेयर करना ना बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सकता है, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। क्योंकि चेहरा ना इतनी खूबसूरत चीज है ना, कि हर कोई चाहता है कि उसका चेहरा बहुत खूबसूरत हो, चाहे कलर कोई भी हो, लेकिन बेदाग हो और ग्लोइंग हो। तो ये आपका वीडियो शेयरिंग बहुत लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सकता है, तो जमकर शेयर करिएगा। तो चलिए जान लेते हैं इस रेमेडी को बनाना कैसे है। रेमेडी बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक आलू। आलू को सबसे पहले आपको अच्छे से छील लेना है। छीलने के बाद आपको कद्दूकस करना है और उसका जूस निकाल लेना है एक कांच के बाउल में। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी कोई रेमेडी बनाते हैं आप फेस के लिए या पीने के लिए, तो हमेशा कांच के बर्तन का इस्तेमाल करें। उसके बाद आपको इस जूस को अच्छे से निकाल लेना है छन्नी की मदद से, और इसके साथ हमने ऐड करना है 1 चम्मच लेमन जूस। लेमन क्या करता है, आपकी स्किन के कलर को नेचुरली ब्लीच करता है, आपके दाग धब्बों को हटाता है, पिंपल एक्नी फ्री बनाता है, आपकी झाइयों को बहुत अच्छे तरीके से साफ करेगा, और साथ में आपकी स्किन से पिगमेंटेशन और सनबर्न को हटाएगा। और अगर आपको झाइयां हैं पुरानी से पुरानी, तो ट्रस्ट मी, आलू में ऐसे कंपाउंड्स होते हैं आपकी स्किन के टेक्सचर को एकदम नीट एंड क्लीन करते हैं। तो ट्रस्ट मी, आपके फेस की झाइयां बिल्कुल एंड हो जाएंगी। इनको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, जब आप दिन में घर पर हैं, 2 बार इसका इस्तेमाल करें। सुबह के टाइम जैसे आप इसे कॉटन बॉल डिप करें, अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लें। अप्लाई करने के बाद आप घर का काम करते रहें, बच्चों को पढ़ाते रहें, या जो भी आपका काम है ऑफिशियली वो भी कर सकते हैं। 1 घंटे बाद अपना चेहरा ठंडे पानी से धो लें। रात को ये ट्रीटमेंट करने से पहले अपने पहले चेहरे पर गर्म पानी की स्टीम दें। एक जो हैंकी है गर्म पानी में डिप करें, उसको अपने फेस पे रखें, आपके पोर्स ओपन हो जाएंगे। उसके बाद कॉटन बॉल डिप करें सेम चीज में और अपने फेस पर अप्लाई कर लें। एक बात का ध्यान रखना है, आपने जो अपनी रेमेडी बनानी है वो 1 दिन की ही बनानी है, अगले दिन दोबारा से आपको फ्रेश बनानी है, स्टोर नहीं करना है। इस चीज का ध्यान रखेगा। 1 घंटे बाद आप उसको वॉश कर लें ठंडे पानी से और अपना कोई भी डेली मॉइस्चराइजर लगाकर सो जाएं। और अगर दोपहर के समय सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जो धूप की किरणें होती है ना, चाहे आप घर पर हैं लेकिन हल्की हल्की विंडो से आती हैं और वो हमारी स्किन को डैमेज कर देती। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें, पानी ज्यादा पिएं, स्ट्रेस कम लें, डेफिनेटली आपकी स्किन पर बहुत ही ज्यादा डिफरेंस फील होगा। मिलते हैं हंसी खुशी के साथ कुछ नई रेमेडीज के साथ। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।